सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू अनानूर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके लिए समर स्पेशल फ्रूट पॉप्सिकल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी और मज़ेदार है, तो ज़रूर आप सब ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आप खाते जाएँ खाते जाएँ। अगर आपके घर में ये मेरे जैसे दो नन्हे मुन्ने बलूंगड़े हैं तो उनको तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो चले आए देखते हैं कैसे बनती हैं। सबसे पहले मैंने फ्रूट्स लिए हैं। फ्रूट्स में मैंगो हैं, कीवी है, एप्पल है, तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी फ्रूट्स ले सकते हैं। जो मैंगो हैं यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के आते हैं, बट आई लव पाकिस्तानी मैंगोज। मिक्स फ्रूट जूस मैंने ले लिया है। आप चाहें तो एप्पल जूस भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो मैंने एक लिया था और उसको बारीक बारीक कट कर लिया था। कीवी मैंने राउंड शेप में कट कर ली थी। एप्पल को भी इसी तरह मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये मिक्स फ्रूट जूस है। आइसक्रीम मोल्ड लिया है, ये इजीली आपको हर जगह से मिल जाएगा। डिफरेंट शेप में होता है। अब मैं इसकी जो लिड है उनको मैं सेपरेट कर लूंगी। आइसक्रीम मोल्ड को अब हम डिफरेंट जो फ्रूट्स कट किए हुए थे उसके साथ फिल कर लेंगे। राउंड शेप में जो कीवी कट की हुई थी उसको बिल्कुल हम मोल्ड में किनारों पे अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूं। हर पार्ट में दो दो तीन तीन कीवी को हम ऐड करेंगे। जब मैं ये आइसक्रीम बना रही थी तो मुझे एक बात याद आई, जब हम स्कूल लाइफ में होते थे तो बर्फ का जो गोला मिलता था वो खाते थे, बहुत ही मजे का लगता था। तो जरूर आप सब बताइएगा जिसने ट्राई किया है बर्फ वाला गोला। अब मैं मैंगो के साथ इसको फिल कर दूंगी अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने मैंगो अच्छे तरीके से फिल कर लेने हैं। मैंगो अच्छे तरीके से फिल करने के बाद अब इसके अंदर हम एप्पल कट जो किए हुए थे वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज भी बहुत मज़े की लगेंगी और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगेन जो रिमेनिंग मैंगो बच गए थे उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से फिल कर लूँगी इनको भी मैं। मोल्ड को तो कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से फिल। अब इसके अंदर हम कोई भी जूस आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी फ्रूट्स मिक्स कॉकटेल था तो मैंने ये ऐड किया है। एक एक करके मैं सब में फिल कर दूंगी अच्छे तरीके से। रेड स्वीट सिरप लिया है 1 टीस्पून जितना, और इसको कुछ पार्ट्स में मैं फिल करके रख दूंगी। अगर आपके पास कोई भी कलर का सिरप है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लिड के साथ इसको कवर करके मैं पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। अगर आप इसके लिड के साथ कवर नहीं करना चाहते तो आइसक्रीम स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। पूरी रात फ्रीजर में रखने के बाद नेक्स्ट डे ये देखें हमारे फ्रूट पॉप्सिकल रेडी हैं। बहुत ही ईजी हैं और आसान हैं, तो ज़रूर आप सब ट्राई कीजिएगा। जैसे ही मैंने फ्रूट पॉप्सिकल निकाले यहाँ पे मेरी बच्चा पार्टी रेडी हो गई खाने के लिए। और ये देखें जरा मेरे मुस्तफा शहजादे को जरा चेक करें, ठंडी लग रही है बट हमने खानी जरूर है। वाह मामा, इट्स सो सो
yummy. How did you make it? Subscribe to my mama's channel. Don't forget to like it and subscribe it. Alafis! इंशाल्लाह अगेन आफ्टर 3 डेज बाद न्यू रेसिपी के साथ आऊंगी, तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।